ये कोई दृष्टा नहीं है वास्तव, क्योंकि ये सारे विषय है, ये सारे प्रकृति का कार्य है, त्रिगुण के अंतर्गत आने के कारण ये सारे विषय में, विषय कोड़ी में चला जाता है, विषयी कोड़ी में नहीं आता। इसलिए विषय कहने पर जो सबको ले लिया, मतलब प्रकृति के जितने कार्य है सबको एक तरफ करके विषय ऐसा कहा। और सामान्यम, सामान्य भाव में रहता है, सामान्य भाव में रहने का अर्थ ये साधर्म्य को लेकर के कारण भाव में रहता है, सर्व पुरुष के लिए ये साधारण होता है, इस सबके लिए होगा कि जैसा प्रकृति, प्रकृति का जो कार्य है सर्व पुरुष के द्वारा भोग्य होता है, इसलिए इसको सामान्य कहा गया, कोई विशेष उसमें संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकृति को ये एक मानते हैं, प्रकृति कार्यों को अनेक मानते हैं। कि प्रकृति को एक मानने से क्या है, एक पुरुष का, एक पुरुष के लिए प्रकृति एक है और हरेक पुरुष के लिए भी प्रकृति एक ही है, इसीलिए सामान्यम कहा, सर्व पुरुष साधारणम। तो जैसे हम उसके लिए उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अनेक प्राणी है किंतु सभी वायु को श्वास लेता है, श्वासोच्छ्वास वायु को लेता है, तो वायु रूप से देखेंगे तो वायु एक है, सबके लिए अलग अलग नहीं है ना, और सभी पुरुष उसी वायु को श्वसन क्रिया के द्वारा ले रहा है, तो अनेक पुरुष के द्वारा भोग्य वायु एक हो गया, इस प्रकार से अनेक पुरुष के द्वारा भोग्य प्रकृति एक है। और अचेतनम, चेतन नहीं है, तो अचेतन पहले अविवेकी आया, वो विचार को मन, ज्ञान की प्रक्रिया को मन को, ज्ञान की प्रक्रिया को रख करके, और अचेतन कहने से उसके स्वरूपतः वो चेतन से भिन्न है, जो स्वरूपतः वो जड़ है, चेतन से भिन्न है, ये अर्थ इसमें विशेष हो गया। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी का अर्थ इससे उत्पत्ति होती है, ये कारण धर्म से रहता है, प्रसव होता है कार्य करके उत्पन्न करना, प्रसव धर्मी वो कारण धर्म से रहता है। व्यक्तम तथा प्रधान, बोलते हैं ये व्यक्त में प्रधान में दोनों में ये समान है, ये प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। प्रकर्षेण धीयते अंतर्लीयते इति प्रधान, ऐसे अर्थ इसका करते हैं प्रधान शब्द का, प्रकर्षेण धीयते अंतर्लीयते इति प्रधान। प्रधान का अर्थ जैसा हमारे सामान्य व्यवहार में मुख्य ऐसा होता है, किंतु यहाँ मुख्य ऐसा अर्थ में नहीं है, जो सबको लय का स्थान है वही प्रधान है। तो प्रकृति शब्द सृष्टि के दृष्टि से कहते हैं कि जिससे सबकी सृष्टि होती है वो प्रकृति, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, और लय के दृष्टि से प्रधान शब्द कहते हैं, प्रकर्षेण धीयते अंतर्लीयते इति प्रधान, दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों वस्तु एक ही है, एक ही को प्रधान भी कहा जाता है, प्रकृति भी कहते हैं, तो ये शब्द याद रखना पड़ेगा। अच्छा, और तद विपरीत तथाच पुमान, तथाच पुमान तद विपरीत, ये पुमान जो पुरुष है इससे विपरीत गुण वाला होता है, ये जितने गुण बताए, ये ग्रुप में जो बताए, इसका वैधर्म्य पुरुष में आएगा, वो क्या है, त्रिगुण नहीं होता और अविवेकी नहीं होता, विवेकी होता है, विषय नहीं होता, अविषय होता है, सामान्य नहीं होता है, वो एक होता है, स्वतंत्र होता है, अलग अलग होता है, अचेतन नहीं होता, चेतन होता है, और प्रसव धर्मी नहीं होता है, क्योंकि पुरुष से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, और व्यक्त, व्यक्त और अप्रधान तो उसका लक्षण है, तो इसलिए इतने धर्म से वो विपरीत रहेगा, तो त्रिगुणादि धर्म से विपरीत जो लक्षण है वो पुमान है। अभी ऐसा किसका अनुभव आपको है तो उसको पुमान जानना चाहिए, अभी ऐसा किसी का अनुभव हमको नहीं है, क्योंकि हमको जो अनुभव है इनके अंतर्गत ही है, जड़ को ही हम चेतन मान करके व्यवहार करा, अभी बोला ना दृष्टा, दृष्टा रूप से जिसको हम देख रहे हैं वास्तव में वो दृष्टा नहीं है, वो दृश्य है, दृश्य को
दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, ऐसा उनको अलग करके आपको जानना पड़ेगा। अब यहां तक जो कहा है कि व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान से अलग करने की बात कही, सारे आपके लिए जो सामग्री चाहिए चाहिए वो तैयार कर लिया, माने पहले पदार्थों को बताया, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रमेय, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रमाण कहा, और प्रमाण के संबंध में कुछ विषय प्रमाणों का विषय कहा, और अभी साधर्म्य वैधर्म्य ये कहा। अब यहाँ से असली व्याख्या आरंभ होती है, जिसके हमारे मतलब सांख्य सिद्धांत में विशेष करके समझने की बातें यहाँ से शुरू होती हैं, क्योंकि अभी त्रिगुण की व्याख्या करेंगे और यहाँ विषय की सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी पुरुष प्रकृति इन सब का लक्षण करेंगे। तो त्रिगुण के बारे में तो आप लोग सुने हैं, सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण हैं, और इसका लक्षण गीता आदि में भी आया है, सब में आया है, किंतु ये गुण होते क्या है? ये गुण कहते हैं इसको, जैसे कोई बुद्धिमान है तो बुद्धिमत्ता उसका गुण है, कोई रूपवान है तो रूपवत्ता उसका गुण है, इस प्रकार गुण होता है। तो ये गुण लेना है कि कौन से गुण लेना है, तो गुण का अर्थ क्या है ये पहले समझना है। गुण कोई वस्तु नहीं है ऐसा हम जानते, जैसा गुण बोलते रूपवान होता है तो रूप उस व्यक्ति में है, वो अलग कोई वस्तु नहीं है, उसका विशेषण रूप से है। तो विशेषण से विशेषण हमेशा कोई तात्विक वस्तु में रहता है, जैसा रूप रहेगा तो कोई रूपवान व्यक्ति में रहेगा, कोई फूल आदि वस्तु में वो रूप रहेगा, अकेला रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो गुण है सांख्य का गुण, ये ऐसा गुण नहीं है जो अन्य में रहता है, ऐसा गुण नहीं, एक बात ये है। दूसरा, ये प्रकृति को तीन गुण के रूप ही मानते हैं, मतलब प्रकृति इज इक्वल टू तीन गुण, ऐसा है, प्रकृति का तीन गुण ऐसा नहीं है, ये प्रकृति ही तीन गुण है, इसलिए तीन गुण के साम्यावस्था को प्रकृति कह रहे हैं। माने जैसा रूपवान व्यक्ति का रूप को अलग करके आप रूपवान व्यक्ति को अलग कह रह सकते हैं, मनुष्य रूपवान है उसका ये नाम है, ऐसा करके संबंध करके बताते हैं, इस प्रकार प्रकृति का ये तीन गुण कहने से प्रकृति और गुण अलग अलग है ऐसा नहीं है, ये प्रकृति ही तीन गुण वाली है, तीन गुण को ही साम्य अवस्था की स्थिति में प्रकृति कहते हैं, तीन गुण को ही विकार अवस्था की स्थिति में महत्त्वादि नाम से कहा जाता है, ये इनकी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है। इसीलिए जब कार्य उत्पन्न हुआ, पांच भौतिक कार्य उत्पन्न हुआ जो हमारे अनुभव में आता है, वो भी त्रिगुण ही है, त्रिगुणात्मक ही है, उससे भिन्न नहीं है, वो तो प्रकृति का विकार होने के बाद भी वो त्रिगुण रूप से ही रहता है, तो प्रकृति उस दृष्टि से त्रिगुण की दृष्टि से वहां है, इसीलिए ये त्रिगुण जो है यहां उपादान कारण है, सांख्य के यहां त्रिगुण उपादान कारण है। अब आप त्रिगुण का लक्षण में देखेंगे तो मालूम होगा ये तीनों गुण उपादान कारण में सत्व रजस तमस, इसकी कल्पना कैसे हुई, सत्व रजस तमस कैसे आ गया, यहां पूरे हमारे प्रक्रिया आ जाती है। देखिए सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि होने का कारण क्या है, हमारा कर्म है, जो प्राणी सृष्टि में आने वाले हैं उनके कर्म से ही ये सृष्टि हुई है। आप सोचते हैं कि आपका शरीर आपके कर्म से हुआ, किंतु केवल आपका शरीर नहीं, आपका शरीर भी आपके कर्म से हुआ, आपका जो भोज्य वस्तु है वो भी आपके कर्म से हुआ,
और आप जिस स्थान में बैठे हुए हैं वो भी आपके कर्म से हुआ, और आप जिस भूलोक में भूमंडल में जन्म लिया है वो भी आपके कर्म से ही हुआ, और पूरे जो पेड़ पौधे जितने भी है वो भी आपके कर्म से ही हुआ। आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली साक्षात और परोक्ष रूप में संबंध रखने वाले सारे की सृष्टि के कारण आपके कर्म हैं, इसीलिए आपके कर्म का बहुत दायित्व है। ठीक है, ये थियरी तो हम जानते हैं। अब ये थियरी को आपको गुण में ले जाना है। ये जो कर्म हुआ है ना, कर्म से सृष्टि हो रही है, और एक तरफ कर रहे हैं कर्म से सृष्टि हो रही है, दूसरे तरफ कर रहे हैं प्रकृति से सृष्टि हो रही है। तो ये कर्म प्रकृति बन जाती है। जब कर्म को आप विशेष स्थिति में ले जाते हैं तो वो ही प्रकृति बन जाती है। कर्म के बिना सृष्टि नहीं है, कर्म संबंध के बिना सृष्टि नहीं है, और कर्म संबंध से जुड़े हुए प्रकृति से ही सृष्टि हो रही है। तो ये कर्म ही प्रकृति बन करके सृष्टि को तैयार कर रहे हैं। ये पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम है, यही सांख्य सिद्धांत का मूल है। ये कैसे सृष्टि को बताते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि ये कोई प्रकृति तत्व अलग है, उसमें कुछ पार्टिकल्स है, पार्ट है, उसी में से प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं। ये रिफ्लेक्टिव थियरी है इनका, अथवा रिसाइकलिंग थियरी है। रिफ्लेक्टिव थियरी क्या है कि आप किसी वस्तु को भोगते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगने से मैं इसका भोग कर रहा हूं, और जिसको अच्छा नहीं लगता उसको आप त्याग देते हैं। इस आपको ये अच्छा लग रहा है यही आपका भोग है, और ये जो आपको अच्छा लग रहा है यही आपको कर्म बना देता है। आपका जो भविष्य होने वाले कर्म है पुरुषार्थ, ये आपको अच्छा लगने इतने ही बना देता है। इसका परिणाम आपके मन में जाता है, ये मन में जाकर के मन वहां कर्म को उत्पादन करता है, और ये कर्म बाद में परिणाम को लाता है। मतलब यहां से ले जाकर के घूम फिर करके बाद में यही प्रकट होता है। हम योग सूत्र के जब चर्चा किए थे पिछले बार, इसके विषय में कहे थे कि विषय से कैसा कर्म होना है। ये रिसाइकलिंग सिस्टम है। आप अभी दुनिया में जो भी वस्तु देखिए, अब साइंस की दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से देखिए, सब में रिसाइकलिंग सिस्टम है, और रिसाइकलिंग के द्वारा ही ये दुनिया को भगवान ने खड़ा कर दिया है। इसको हम जब डिस्टर्ब करते हैं तब हमको परेशानी होती है। आप किसी भी रूप में आप देखिए ऐसा ही है। रिसाइकलिंग मतलब चाक्रिक रूप से वो होता ही रहता है, इधर से उत्पन्न होगा, इधर से फिर प्रकट होगा, फिर वो उत्पन्न करेगा, फिर वो प्रकट होगा। ये सिस्टम बना के रखा है। आप अपने शरीर में देखिए, अपने मन में देखिए, और बाहर के विषयों में देखिए, ये जो पेड़ और बीज है ना, ये हम ऐसे मजाक के लिए कहते हैं कि पेड़ और बीज, किंतु ये पेड़ और बीज की जो थियरी है ये पूरे दुनिया की स्थिति को बता रहा है कि पूरे दुनिया जो प्रपंच है वो इसी सिस्टम में खड़ा है। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज होगा, वृक्ष से बीज होता है, फिर बीज होता है, वृक्ष होता है, ऐसे होता है। और हमारे शरीर भी ऐसे ही बना है, हमारे कर्म भी ऐसे बना है, सब कुछ ऐसे बना, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी जो नए साइंस में बहुत कुछ बदलाव किया, बहुत कुछ उनको नया खोज हो रहा है, तो पहले जो कुछ वो नहीं मानते थे बहुत कुछ अभी उनको समझ में आया है। उन्होंने ये कहा कि आपका जो विश्वास, आपका जो मन है, जो आप काम करते हैं, उसी के द्वारा आपके डीएनए में भी फर्क आ सकता है। पहले ये नहीं मानते थे, पहले ये सोचते थे कि डीएनए जैसा हमारे शरीर में आ जाता है उसी को हमको भोगना पड़ता है, उसी के द्वारा हमको चलना पड़ता है, कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, ऐसा सोचते थे। किंतु अब जो है इसमें बहुत परिवर्तन आया कि आपके विचार के अनुसार आप जिस आबोहवा में वातावरण में रहेंगे उसके अनुसार आपके
विचार और शरीर और उसके अनुसार आपके कोष उस सेल्स सब बदलते जाए और ऐसे बदल बदल करके आपके नए कर्म उत्पन्न होंगे। इसलिए आप अपने जीवन में देख सकते हैं, आप पहले जैसा खान पीन आबो हवा में रहते थे, अब जिस खान पान आबो हवा में आप रह रहे हैं उससे आपका मन में शरीर में क्या क्या फर्क आता। तो ये फर्क तो बाहर तो तुरंत दिखाई पड़ता है किंतु होता होता हुआ यह अंदर भी जाता है, अंदर जाकर के सबको बदल देता है, ऐसा बदल करके नए जीवन को उत्पन्न करता है। ये थियरी बिल्कुल सांख्य पहले माना है। अब सारांश क्या है कि हम जो सृष्टि को कहने जा रहे हैं प्रकृति से, ये सृष्टि हम ही कर रहे हैं। इसका मतलब वेदांत जिस स्थिति से इसको व्याख्या करता है वो कुछ अलग प्रकार से व्याख्या करता है कि ये जो त्रिगुण को रख करके जो व्याख्या कर रहे हैं इनके भी अर्थ यही है। आप त्रिगुण का लक्षण देखे होंगे, त्रिगुण का लक्षण में क्या कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, ये तीन बोला ना, प्रकाश प्रवृत्ति मोह। इसका मतलब प्रकाश ज्ञान का उपलक्षण है, ज्ञान है सात्विक का, और प्रवृत्ति और दुख ये रजस का, और मोह और अज्ञान तमस का। अब आप ये बताइए इससे अतिरिक्त और गुण का कोई स्वरूप नहीं, इसको अलग अलग भाषा में बताएंगे, इतना ही है। प्रकाश ज्ञान, प्रवृत्ति दुख, और मोह अज्ञान अथवा स्थिति, ये कहां रहते हैं, ये रहता कहां है। बाहर ये विषय है हमारे पास, ये विषय में प्रकाश है कि प्रवृत्ति है कि मोह है कि अज्ञान है कि क्या है, बाहर कोई विषय में ये है क्या, नहीं है। क्योंकि प्रकाश प्रवृत्ति प्रकाश और ज्ञान ये चेतन का स्वरूप है, ये जड़ में तो नहीं हो सकता। और प्रवृत्ति कौन करता है, चेतन होता है, चेतन करता है। दुख किसको होता है, चेतन को होता है, कल परसों हम विचार किए थे दुख के बारे में। और मोह अज्ञान किसको होता है, इसको होता है क्या, नहीं होता है। तो ये जो तीन गुण का लक्षण और फल बताया, लक्षण और प्रयोजन बताया, ये बाहर आप किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं कर सकते, समझ में आ रहे हैं। तो ये कहां सिद्ध करेंगे, ये कहां होता कहां है, ये मन के अंदर होता है, ये सारे हमारे मन में होने वाले हैं। और लक्षण कहां किसका दिया, गुण का दिया। और ये जो तीन मन में होने वाली वृत्तियां त्रिगुण का लक्षण है और उसी त्रिगुण से सृष्टि हो रही है, तो क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका मन का इसके साथ संबंध है। इसके ऊपर पहले साइंस ने ध्यान नहीं दिया था, ये जो मन की वृत्तियां बाहर के संबंध का कैसा वो बदलाव लाता है इस पर साइंस ने ध्यान नहीं, अभी भी बहुत कम है लेकिन अब ध्यान दिया होगा, अब इस पर उनका विचार शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इसके साथ संबंध है करके। अब देखिए आपको पूरे थियरी आपको समझ में आ जाएगी कि यहीं से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। क्योंकि अब कोई भी प्रकाश प्रवृत्ति मोह विषय से उत्पन्न नहीं होता, यह हमारा अनुभव है। यदि ये पुस्तक प्रकाश प्रवृत्ति स्थिति मोह को उत्पन्न करने वाला होता तो सबको यह उत्पन्न करना चाहिए था, वो नहीं करता है। इसलिए सांगे क्या कहता है कि सभी वस्तु त्रिगुणात्मक है और सभी वस्तु सभी के लिए त्रिगुणात्मक रूप से प्रवृत्त होता है और सभी एक ही वस्तु में अलग अलग गुणों को प्राप्त करता है, अलग अलग गुण के फल को प्राप्त करता है, अपने कर्म फल के अनुसार प्राप्त करेगा, ये बोलता है। आपको आगे दिखाई पड़ेगा, बहुत सुंदर है, अभी यहां से जो होगा कैसे कैसे परिणति होता है आपको समझ में आएगा। अब ये पुस्तक आप देख रहे हैं ना, ये पुस्तक में तीनों गुण है, ये तो भगवान ने कहा सभी को तीन गुण से उत्पन्न किया है और तीन गुण को ही मैंने हेतु बना करके प्रकृति को कारण बनाया इत्यादि सब गीता में कहा, गीता का जो है वही बता रहे हैं।
अब ये पुस्तक है तीन गुण के उत्पन्न है, कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि ये पुस्तक में अपने आप तीन गुण नहीं है, तीन गुण का कोई क्रिया नहीं है, किंतु ये पुस्तक को देखने वाला किसी को इसमें से ज्ञान होता है और किसी इसको प्रवृत्ति का विषय मानते हैं, व्यापार का विषय मानते हैं, कुछ और विषय मानते हैं, और उसको दे करके दुख होता है, किसी को यह दे करके भ्रम होता है, मोह होता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो एक ही विषय में विषय व्यक्ति के भेद से कार्य अलग अलग हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये तो जड़ है, इसलिए इसको जड़ कहा। अभी इसकी व्याख्या में आएंगे, जो आप अभी तक जड़ समझ रहे थे, ऐसे जड़ नहीं है वो, क्योंकि ऐसा कोई जड़ नहीं, हम बाद में सिद्ध करेंगे, अभी आएगा। इसको हम जड़ कह रहे हैं, किंतु ये कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है यहां विधिक्रिया होती है। नहीं, वो वस्तु में गुण है करके अभी चल रहे ना, किंतु वस्तु में कैसे गुण है, हमको कौन सा गुण वस्तु में रखना है, ये सारे गुण को वस्तु में रखना है, प्रकाश को, ज्ञान को, प्रवृत्ति को, दुख को और मोह को, अज्ञान को रखना है, ये सब इसमें है कि नहीं है? इसमें आप मान सकते हैं ये सब है करके? वो तो है, उसमें सब डाउट नहीं है, किंतु मैं जिस विषय का बोल रहा हूं कि ये तीन गुण इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह है, तीन गुण अभी सब जगह है मान लीजिए, किंतु तीन गुण का लक्षण क्या दिया? प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, ये सब उसका लक्षण है। ये कहाँ रहता है? ये प्रकाश ज्ञान कहेंगे तो आप किसमें, इसमें देखते हैं, किसमें देखते हैं? ज्ञान कहाँ से ज्ञान होता है आपको? होना तो मतलब मन में ही होता है, ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का अनुभव मन से अतिरिक्त कहीं नहीं होता। अब प्रवृत्ति कहेंगे, प्रवृत्ति कहाँ होता है? मन में ही होता है, मन से कनेक्टेड है, मतलब चेतन संबंधी होता है। और दुख कहाँ होता है? रजस का फल फल है, दुख कहाँ होता है? इसमें तो नहीं हो रहे ना, मन में होता है। इसमें यदि होता तो दुख को नष्ट करने के लिए ये जलाने से हो जाता, नहीं हो रहा है, ये जलाने पर भी काम नहीं हो रहा। और मोह होता है, अज्ञान होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है। अब लक्षण जो कहा, अभी कहीं भी देखिए, किसी भी प्रकार का लक्षण देखिए, वो कहाँ आ रहा है? मन में ही आ रहा है। तो मन में आ रहा है और विषय में आप बता रहे, सब कुछ आपको मन में हो रहा है, जो मन में हो रहा है उसको दिखा रहे विषय में। हम बोल रहे ये त्रिगुण है, ये सात्विक है, ये राजसिक है, सात्विक आहार बोलते ना, योगी लोग बोलते सात्विक आहार करो, हाँ फिर ये राजसिक है, ये नहीं खाना चाहिए, वो राजसिक है। आजकल ये ऐसे ही प्रथा हो गया, उनको समझ में नहीं आता ये क्या होता है, राजसिक सात्विक, ये सब आहार को कुछ नहीं है, राजसिक सात्विक कुछ भी नहीं है, क्यों हो नहीं सकता? वो जो व्यक्ति खाएगा, वो व्यक्ति के विचार के अनुसार कोई भी आहार में राजसिक सात्विक भाव आ सकता है, वो बाद में बताएंगे कैसे वो परिणाम करेगा। वो व्यक्ति उसी से, उसी के साथ, उसी के संबंध करके ही कनेक्ट करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा, वो आएगा, वो प्रक्रिया में आपको बताएंगे। किंतु अब हम बता रहे हैं जिस गुण को हम गुण रूप से जान रहे हैं, वो गुण बाहर दिखा रहे हैं किंतु उसकी प्रक्रिया सारे अंदर है। ये बात समझ में आया? ये सारे बाहर दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं त्रिगुणात्मक ये जगत है दिखा रहे हैं, त्रैगुण्य विषय है ये दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे बाहर, किंतु इसके सारे व्यतिक्रिया प्रक्रिया होती है अंदर, बाहर आप कुछ नहीं दिखा सकते। अब इससे यह निश्चय करना है कि हमें अंदर की जो व्यतिक्रियाएं विक्रियाएं हैं उससे ही बाहर देखना पड़ेगा, बाहर से कुछ भी हमारा संबंध नहीं है। मतलब बाहर एक जो वस्तु है वो कुछ निमित्त बन रहा है तात्कालिक रूप से, और वो विधि क्रियाएं उत्पत्ति पूरे इधर हो रहा है। अब इसी के आधार पर इन्होंने सृष्टि को दिखाया, क्योंकि त्रिगुण यदि आधार है, त्रिगुण यदि प्रकृति है, त्रिगुण ही वहां सत्य है, तो वो त्रिगुण यहां है तो इसी से यहां होगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इनकी सारे सृष्टि आध्यात्मिक है, उसको उन्होंने बाहर करके
दिखा रहा है। अब उसी प्रकृति से जहां त्रिगुण आपके मन में कारण रूप से बीज अवस्था में है, उसी प्रकृति से महत्त्व, किसी ने नाम दिया जो देखिए अहंकार, अहंकार कहां इसको होता है क्या? जो उत्पन्न हुआ वस्तु है उसमें अहंकार होता है क्या? अहंकार नहीं होते, अहंकार तो यही होगा, स्पष्ट रूप से बोल रहे अहंकार तत्व तो अहंकार है, वो इधर ही होता है। महत्त्व अहंकार और उसी से जो तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से विषय, विषय से यह विषय तन्मा अहंकार से एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्राएं पंच तन्मात्राओं से विषय, ये सारे आपसे ही प्रकट होगी और कोई इसका आधार नहीं है। ये अभी ये दिखाएंगे कि कैसे ये आपसे ही ये सारे प्रकट होता है। ये रिसाइकलिंग थियरी है, ये आपने ही बनाया है इसीलिए आपसे ही ये प्रकट होगा, क्योंकि कर्म का कर्ता आप ही है और कोई नहीं। आप कर्म का कर्ता भी बना हुआ है किसी हालत में, अज्ञान के कारण बना हुआ है, संयोग के कारण बना हुआ, वो भी बताएंगे कैसे बना हुआ। वो अभी बना हुआ है, आप कर्म करते हैं इसलिए आप भोक्ता बना हुआ है। जब आप भोक्ता बना है तो आप ही उसका भोज्य भी है, आपसे अलग नहीं। तो उसको विषय के रूप में परिणत करने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कुछ तत्व तो उसमें चाहिए। जैसा देखिए आपके अंदर से जो अहंकार हुआ वो अहंकार से मिट्टी बनाना है, समझ लो है, अहंकार है, मैं अहंकार मैं हूं करके अहंकार कर रहे हैं, सामान्य बता रहा हूं अहंकार कर रहे हैं। इससे अभी मृतिका को बना रहे, मृतिका तो हो रहे ना, पंचभूत बना रहे। अब देखिए कितना कठिन काम होगा, हम अपने अहंकार से अपने से कुछ बना सकते हैं क्या? एक मृतिका के एक कण भी हम 50 साल प्रयत्न करेंगे नहीं हो सकता। तो इसके बीच में कुछ प्रक्रिया है जो आपके ही अहंकार से आपके लिए मृतिका को तैयार करेंगे, असली मृतिका को। ऐसा नहीं कि हम वेदांत में जैसे कर्म कर रहे मिथ्या रूप से मृतिका को तैयार करेंगे, ऐसा नहीं। जो मृतिका को मृतिका के रूप में आप असली देख रहे हैं वो मृतिका आपके अहंकार से उत्पन्न होगी। ये कला ये सांगे के पास है। अब ये कला बहुत साइंटिफिक है, अब ये साइंस का कुछ सपोर्ट भी इसमें मिलता है जितना तक अभी डेवलप हुआ है, तो इससे हो सकता है। इसीलिए वो उन्होंने ऐसा बनाया, ऐसा करके उसको फिर वापस वही ले गया। इसीलिए यदि मृतिका असली मृतिका जो प्रकट हुई अहंकार से पंच तन्मात्रा से प्रकट हुआ, तो ये पंच तन्मात्रा का आपके साथ संबंध है। पंच तन्मात्रा का विषय देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय में है, वस्तु में है, किंतु आपके ज्ञान के रूप में है। इसलिए सारे आपके ज्ञान के द्वारा ही होता है, तो त्रिगुण बाहर है ही नहीं, ये आप पक्का समझ लीजिए। कहीं भी कोई भी शास्त्र में आप देखिए, पुराणों में देखिए, जहां भी आप तो त्रिगुण की व्याख्या देखें, वो त्रिगुण की व्याख्या के रूप में यही गुण मिलता है, और ये गुण कभी भी बाहर नहीं है। जब त्रिगुण बाहर नहीं है तो बाकी का इससे बाहर कैसे हो सकता है? आपको उसके साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन को अभी बता रहे हैं। ये रिलेशन समझने से आपको उसकी सृष्टि समझ में आएगी, तब आपको ये समझ में आएगा ये जो कुछ सृष्टि हमारी हो गई है ये सृष्टि से मैं अलग हूं। इसलिए कहा ना तदो विपरीता अव्यक्तम पुमान, उससे भिन्न पुमान है वो, जहां उससे भिन्न है ऐसा समझ में आएगा, और उसको भिन्न रहने से ही ये सब कर सकता है। इसीलिए ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, इसके आधार पर जो योग सूत्र में जितने सिद्धियां बताए, हम योग सूत्र के पाठ में भी ये कहे थे कि जितने सिद्धियां बताई गई है और उसके सारे परिणाम इसके द्वारा कैसे होता है, और हम इतने सचेत हो जाएंगे, इतने सतर्क हो जाएंगे कि हमारा एक एक विचार, वो गलत विचार है सही विचार है कुछ भी है, एक एक विचार कुछ प्रोड्यूस करता है और वो आपको पता नहीं चलता। वो ऐसे प्रोड्यूस करता है आपके सूक्ष्म शरीर से लेकर के वो कालांतर में स्थूल होकर के विषय के रूप में भी परिणत होता है। आपने एक संकल्प किया कई जन्म पहले हो सकता है, किंतु वो संकल्प का, क्योंकि देखिए मैंने कहा आपके अहंकार से असली मिट्टी बनना है, तो इसके बीच में कितना परिणाम चाहिए, कितने सारे प्रक्रिया होनी पड़ेगी, तो वो सारे प्रक्रिया होकर के आती।
इसलिए आपके विचार के अंदर, आपके संकल्प के अंदर, विषय को आप प्राप्त करने की दृष्टि के अंदर सारे कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आप यदि द्वेष भाव से नेगेटिविटी के द्वारा सबको देखते हैं तो आपके अंदर वही नेगेटिविटी बनेगी और उस प्रकार के परिणाम को लाएंगे। ये आगे आपको 30 कारिका के आगे सारे कारिका में बताएंगे किस कैसे कैसे उनके परिणाम सात्विक आदि वृत्ति से होता है, वो सारे लाएंगे उसका परिणाम संबंध करके कैसा होता है। ये परिणाम सिद्धांत होने से सरल है समझना, और एक बार आपको समझने से बाद में आप ये कहेंगे तो जो कुछ हमने सुना ये वेदांत भी तो यही कहता है, ये आप कहेंगे, क्योंकि ये वेदांत में जैसा डेवलप किया है इनका डेवलपमेंट ऐसा हुआ नहीं, सांख्य सिद्धांत का रिसर्च और डेवलपमेंट कम हुआ है, इसके कारण इसका बहुत साथ छूट गया है और लोग इसको गलत सलत समझते हैं, इसके कारण इसका सारांश इसमें कुछ नहीं ऐसा दिखता है, किंतु सब कुछ इसमें है। इसी में से वेदांत कैसा डेवलप होता है हम बताएंगे, कहाँ कहाँ वेदांत डाइवर्शन ले लिया और वेदांत सही दिशा में जहाँ पकड़ के गया वो रास्ता भी इसी में है, और परमाणुवाद के लिए भी मूल इसी में ही है, और तंत्र मंत्र योग योग सब जो करते हैं वो भी उसका आधार इसमें है, आयुर्वेद का भी सारे आधार इसमें है। देखिए आयुर्वेद का थियोरी कैसे चलता है, रोग को पहले ही वो जान लेते, रोग का लक्षण जान लेते, और यहाँ तक ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग होना है तो वो व्यक्ति ऐसे रोग संबंधी दवाई वाले स्थान में जन्म लेंगे, ऐसा ये कहता है, क्योंकि उसके दवाई उसको पिलाना है। अब वो दवाई पिलाने के लिए वो दवाई भी वहीं आसपास में तो होने ना, तो बोलता है कि वो दवाई के साथ उसका संबंध है, तभी जाकर के रोग होता है। इसीलिए रोग में चिकित्सा करना सबसे पहले मानसिक रूप से करता है, ये आयुर्वेद का सारा मूल ये त्रिगुण ही है, ये त्रिगुण के आधार पर किया, इतना उन्होंने डेवलप किया है। अब ये कम साइंस है क्या, ये भयंकर है, इसमें कोई इसका आगे पीछे गया नहीं है इसलिए पता नहीं है। वो एक एक पौधा में ये बोलता है कि वो व्यक्ति को कोई ऐसे समझ लो उसने ऐसी जगह पर जन्म लिया, उसको क्या है वो बिल्व पत्र का जूस पिलाना है, कोई बीमारी आने वाला है, वो बिल्व पत्र का जूस वाले जगह पे यदि वो जन्म नहीं लिया तो समझ लो उसको वो पिला नहीं पाएंगे आप, तो नहीं पिला पाने का वो कर्म का संबंध है उसका, और यदि उसको पिला पाते हैं तो उसका मतलब उसके साथ उसका संबंध बना हुआ, क्योंकि वो पौधा जितने बने हुए हैं उसके साथ ही इसका संबंध है, कर्म का संबंध है, उसके बिना पौधा नहीं बन पाएगा। ये शास्त्र ये इसके बेस पर आयुर्वेद चलता है, इसलिए आयुर्वेद में ज्योतिष का भी कुछ बेस है, क्योंकि ज्योतिष भी इसी के आधार पर चलता है, ये सांगे के आधार के बिना ज्योतिष का अस्तित्व नहीं है, आयुर्वेद का अस्तित्व नहीं है, किसी शास्त्र का अस्तित्व नहीं, क्योंकि बेसिकली ये सारे त्रिगुण के लेकर के प्रकृति पुरुष को लेकर के चलता है, इसलिए बहुत गहराई है इसमें। तो जितना हो सके ये यहाँ से लेकर के जो गुण के वृत्ति और आगे के व्याख्या में हम उस पर विचार करेंगे आगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे